आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि मैरिन ट्रांजिट पॉलिसी जो आजकल ट्रांसपोर्टर ले रहे हैं उसमें क्या क्या कवरेजेज होती है, क्या क्या एक्सक्लूजन होते हैं, क्या वारंटी होती है, क्लेम कैसे किया जाता है, इन सारी चीजों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं हूं आबाद खान और आप देख रहे हैं बीमा साथी यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हमें कवरेजेज चेक करना चाहिए कि जो पॉलिसी आपको ऑफर की जा रही है वो ITCC है, ITCB है या ITCA है। ITCC सिर्फ फायर लेस कवर करती है, ITCB फायर और एक्सीडेंट, और ITCC और रिस्क पॉलिसी होती है। तो ये हमें चेक कर लेना चाहिए कि जो पॉलिसी हमको ऑफर की जा रही है वो कहां फॉल करती है, ITCC है, ITCB है, ITCA है। इसके बाद हमें चेक करना चाहिए डिडक्टेबल कि जो पॉलिसी हम बना रहे हैं उसमें कितना हमारा रिटेन रहने वाला है लॉस, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा काटने वाली है उसके बाद ही पेमेंट करने वाली है। तो डिडक्टेबल को ध्यान से देख लेना चाहिए, 10,000 है, 25,000 या 50,000 है। इसके अलावा जो कम्युनिटी है जो आप माल ले जाने वाले वो प्रॉपर पॉलिसी में इनबिल्ड होना चाहिए, सारे आइटम्स प्रॉपर लिखे होना चाहिए, ये जरूर चेक करना चाहिए। इसके अलावा पर सेंडिंग लिमिट, एक गाड़ी में कितनी वैल्यू का माल आप लेके जाने वाले हो वो प्रॉपर लिखा होना चाहिए। अगर सपोज आपकी गाड़ी में 50 लाख का माल था लेकिन आपने 35 लाख लिखवा रखा था वहां, तो वो क्लेम 35 लाख की इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, 50 लाख का नहीं करेगी, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इसके अलावा पर लोकेशन लिमिट भी एक होता है, फॉर एग्जाम्पल 3 ट्रक्स आपके एक साथ जा रहे हैं तो अगर 50 लाख एक ट्रक में है तो हमें पर लोकेशन लिमिट जो है 1.5 CR लिखाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान से देखना चाहिए। ये पॉलिसी हमें क्या कवरेज देती है, तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया अपनी पॉलिसी को चेक कर लो कि इसमें आपको क्या कवरेज दिया गया है। ये पॉलिसी टेलर मेड है, यानी कि इसमें कस्टमाइजेशन का गुंजाइश होती है, तो जैसे चाहे वैसे ये पॉलिसी हम बनवा सकते हैं, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि पॉलिसी क्या कवर करती है, इंपॉर्टेंट यह है कि पॉलिसी क्या कवर नहीं करती है। तो जो एक्सक्लूजन क्लोज में जो लिखा हुआ है आप ध्यान से पढ़ लेना, एक्सक्लूजन क्लोज में जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं वो ये पॉलिसी आपको नहीं देने वाली। ओके, ब्रीच ऑफ वारंटी, उसके बाद जो इंश्योरेंस की वारंटीज होती है पॉलिसी के अंदर वो बड़े ध्यान से देख लेना, उसमें अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आप फुलफिल नहीं कर सकते हो तो भी ये आपको क्लेम नहीं देंगे। तो बेटर ये, जैसे कि ओवरलोडिंग का इशू आता है ट्रांसपोर्टरों को, मैंने अक्सर सुना है कि भाई ओवरलोडिंग हो जाता है, ओवरलोडिंग अगर कोई इस तरह का इशू आपके साथ है 10% 20%, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से बात करके वो वारंटी में डलवा सकते हैं, आजकल ये भी सब कुछ होने लगा है। इसके अलावा इनफिडेलिटी ऑफ ड्राइवर, कई बार ड्राइवर भी चोरी चकारी कर लेते हैं या माल लेके चले जाते हैं, ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी जनरली इस रिस्क को अवॉइड करती है मरीन पॉलिसी में, इसके लिए वो फिडेलिटी गारंटी इंश्योरेंस देते हैं, तो हमें वो वाली पॉलिसी लेना चाहिए अगर कोई इस तरह का रिस्क हमें लगता है। अगर हमने गाड़ी मार्केट से हायर की है और वहां का किसी ड्राइवर ने कुछ इसमें हेरा फेरी या उस तरह से कर दिया और ये प्रूफ भी हो जाता है कोर्ट में या पुलिस आयु जो है दे देता है चार्जशीट में, तो वहां पे तो मिल जाएगा कवर, लेकिन आपका खुद का ड्राइवर कुछ करता है तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी अवॉइड करती है, तो इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। इससे सबसे बड़ी चीज है कि इंश्योरेंस इस तरह का जो मरीन ट्रांजिट इंश्योरेंस है वो ले कहां से, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ब्रोकर या एजेंट जिनको अच्छी नॉलेज है खास तौर से मरीन ट्रांजिट क्लेम्स की, हमें उन्हीं से इस पॉलिसी को लेना चाहिए, अन्यथा फिर क्लेम मिलने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप जिसको भी नॉलेज है, जिसको आप समझते हैं अच्छा ब्रोकर है, नॉलेजेबल है, क्लेम की पूरी नॉलेज है, आप उसे अप्रोच कर सकते हैं या फिर आप हमें भी अप्रोच कर सकते हैं। हमने तो अपनी ज्यादातर पॉलिसी जो है वो इसी तरह से कस्टमाइज की है जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में बहुत बेहतर तरीके से काम आ रही है, क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्टरों से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं तो हमको उनकी प्रॉब्लम्स पता है। तो आप हमसे भी अप्रोच कर सकते हो, हम आपको अच्छा रेट प्लस बेस्ट कवरेज के साथ सर्विस देते हैं, ऑल इंडिया हमारी सर्विस है। थैंक यू सो मच।